कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजित शर्मा ने चंपारण में दलित लड़की के बलात्कार के बाद हुए हत्या, मधुबनी नरसंहार और भागलपुर में पुलिस कस्टडी में हुए सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर होने की बात करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन का अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी व्यक्ति और बहन बेटी मौजूदा सरकार में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायक ने एनडीए के नेताओं के द्वारा लालू यादव के राजपूत जंगल राज करार दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि लालू जी का शासन काल में जंगल राज था तो आज बिहार में महाजंगल राज है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री शर्मा ने एक बार फिर नए पुलिस विधेयक पर सवाल खड़ा करते हुए इसका विरोध करने पर विपक्षी पार्टियों के विधायकों को पुलिस द्वारा पीछे जाने को प्रजातंत्र पर हमला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन का मन सरकार बढ़ा रही है। आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, चंपारण में एक दलित लड़की जो कि पुलिस का एग्जाम देके लौट रही थी, ऑटो में बैठी और ऑटो वाले ने उसको बलात्कार करके उसको मार दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, खाली पुलिस उसको बंद कर दिया गया, उसको कोई परिवार को कुछ नहीं, अन्याय मिल रहा है। दूसरे तरफ आप देखिए मधुबनी में क्या हुआ। आज मैंने सीएलपी का लीडर के हैसियत से मैंने कमेटी बनाया है जिसमें कि 4 विधायक हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, वो लोग आज गए हैं मधुबनी, वहाँ भी नरसंहार हुआ है। भागलपुर में जो यादव संजय यादव जी की जो हत्या पुलिस थाने में हुई, मार मार के हत्या हुई, क्या पुलिस का आप पूछ रहे हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब है? पूरा अपराध चरम सीमा पर है, कोई कंट्रोल नहीं है। और लोग ये लोग कहते हैं, ये एनडीए की सरकार के मंत्री लोग के लालू राज को याद दिलाते हैं सदन के अंदर कि उसमें जंगल राज था। अगर वो जंगल राज था तो आज महाजंगल राज है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित यहाँ नहीं है, कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई सब सारे पुलिस सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कहीं कोई अपराध नहीं रोक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री खुश हो रहे हैं, जब वो कानून पास हो रहा था कि बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट के घर की तलाशी ले सकते हैं, जब विपक्ष ने आवाज उठाई पुलिस को सदन के अंदर लाके घसीट के बाहर ले जाके पिटाई हुई माननीय विधायकों का, माननीय विधायिका जो लेडीज थी उनका हुआ, क्या आप बात कर रहे हैं? पुलिस का मन तो सरकार बढ़ा रही है, कोई अपराध पर नियंत्रण नहीं है। और पूरी बिहार की जनता त्राहिमाम में है अपराध के मामले में, बता देना चाहता हूं। और अगर सरकार नहीं कंट्रोल कर पाएगी तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी।